अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हेलो, हाउ आर यू? दिस इज़ फरा, योर टीचर फ्रॉम माय चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स सी, आज का हमारा लेसन नंबर 4 किस टॉपिक पर है? लेसन नंबर फोर जो है वो आज का हमारा यूज़ ऑफ़ ए एन एन पर है। ए और एन को आप आर्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। ए मीन्स भी एक होता है, एक, और एन मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक ही होता है। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, बट इनके यूज़ अलग अलग होते हैं। जैसे ए जो होता है वो चेयर, अ टेबल, अ बुक, एक कुर्सी, एक टेबल, एक मेज़, अ बुक, एक किताब। आ मीन्स एक, एक चेयर, एक टेबल, एक किताब। अ बोर्ड, एक बोर्ड। और टीवी, एक टीवी। यानी किसी एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आ चेयर, अ टेबल, अ बुक, अ बोर्ड। और डियर व्यूअर्स, हम एन कब यूज़ करते हैं? जब भी कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम एन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? उससे पहले क्या आता है? एन यूज़ करते हैं। और ये सारे वॉवल्स नहीं हैं, जैसे सी, स्टार्टिंग वर्ड क्या है? सी, टी, बी, बी, टी, डोर, डी, ये सब क्या हैं? ये वॉवल्स नहीं हैं। इनके शुरू के जो लेटर्स हैं वो वॉवल्स नहीं हैं। ये वॉवल नहीं है, बी वॉवल नहीं है, टी वॉवल नहीं है, सी वॉवल नहीं है। ये सारे जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग लेटर्स हैं, ये सारे जो हैं वो वॉवल नहीं हैं। इसलिए हमने शुरू में क्या यूज़ किया है? आ चेयर, अ टेबल, अ बुक, अ बोर्ड, अ टीवी, अ डोर। एक कुर्सी, एक मेज़, एक बुक, एक बोर्ड, एक टीवी, एक डोर। लेकिन व्यूअर्स मेरे, जब हम एन यूज़ करेंगे तो एन में क्या होता है कि जब हम वॉवल से स्टार्ट करते हैं कोई वर्ड, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। एग, एप्पल, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, एयर, आई, और आइस, आइस। अब देखें डियर व्यूअर्स, सारे जो वर्ड्स हैं वो कौन से लेटर्स शुरू हो रहे हैं? वॉवल से। आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि वॉवल कौन कौन से होते हैं। वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स होते हैं। और आप देख रहे हैं कि सारे जो है वो वॉवल्स हैं। आप इसमें सब में जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है? वॉवल है। इसी तरह ओ, ऑरेंज, आउल। अब डियर व्यूअर्स, देखा आपने कि सारे मैंने वॉवल से जो स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स वो सब लिख दिए हैं। तो जब भी कई वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? एन। क्या यूज़ करते हैं? एन। इसके मीनिंग भी एक के ही होते हैं। एन एग, एन एप्पल, एन आइसक्रीम,
एन अम्ब्रेला, तो मैं सब में जो है वो एन यूज़ कर रही हूँ, यानी एक एक अंडा, एक सेब, एक आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एक छतरी, एन ईयर, एक कान, एन आई, एक आँख, एन आइस, बर्फ़ का टुकड़ा, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, एन आउल, एक उल्लू। तो डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने सब में जो है जितने भी वॉवल्स से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ई ए, ये सब वॉवल हैं, ई ए आई यू ई ई आई ओ ओ, ये सब वॉवल हैं, जो कि जब वॉवल से जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एन। तो ए और एन का आपको आई एम श्योर कि आप लोग क्लियर हो गया होगा माइंड में, लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं पेपर्स में। वो क्या मिस्टेक्स होती हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मिस्टेक कर जाते हैं। एप्पल्स, ऑरेंजेस, बुक्स, डोर्स, आइज। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब क्या करते हैं बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी उनसे कहा जाए कि इसमें आर्टिकल्स लगाइए, तो वो क्या करते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर्स में ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि एप्पल से वॉवल से स्टार्ट हुआ है, तो फ़ौरन क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, फ़ौरन एन यूज़ कर लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस आप लोगों का ये जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज क्योंकि एन एप्पल, एक एप्पल्स नहीं होता, बहुत सारे एप्पल्स के लिए आप एक ऐसे कह सकते हैं, एन एप्पल्स, एन ऑरेंजेस, ये भी लगा देते हैं, ऑरेंजेस, देखते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वॉवल है तो फ़ौरन एन लगा देते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बुक्स है, बहुत सारी किताबें हैं, तब भी बच्चे क्या कहते हैं, आ बुक्स लगा देते हैं, आ बुक्स, बहुत सारी किताबें, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी के लिए आप आ तो यूज़ नहीं करेंगे ना। इसी तरह डोर्स, बहुत सारे डोर्स, बहुत सारे दरवाज़े, तो डियर व्यूअर्स आप बहुत सारे दरवाज़ों के लिए भी आ यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, ये हमेशा इस तरह के मिस्टेक्स कर देते हैं और वो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। आइज़, अब एन आइज़ सोचेंगे, आइज़ है भाई, ई से स्टार्ट हुआ ये, तो फ़ौरन एन आई कर देते हैं, बट ये एन आई भी रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप इसे क्या करें, क्रॉस कर दें, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप क्या करें, क्रॉस कर दें कि इसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी, और यहाँ इसमें भी नहीं है, तो आप लोग क्या करें, ये मिस्टेक बहुत छोटी सी मिस्टेक लगती हैं, बट ये पेपर में रॉन्ग हो जाती हैं। यानी कभी भी प्लूरल के साथ आप ए और एन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह एग्स, बहुत सारे अंडे, बहुत सारे अंडे, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एन एग्स लगा देते हैं, कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं, गलत है, आपको नहीं यूज़ करना है बस, बल्कि आपको क्रॉस लगा देना है कि इसमें कुछ नहीं आएगा, आप इसको लिखने के बजाय आपको क्रॉस लगा दें तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन एक ये भी होता है कि अगर नहीं आ रहा तो आप इसमें क्रॉस लगा दें, लेकिन वो कन्फ्यूजन के लिए क्या करते हैं, एग्ज़ाम में बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए इस टाइप के भी मिक्स करके दे देते हैं। तो मेरे डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने आपको यूज़ ऑफ ए और एन सिखाए, यानी आर्टिकल्स बताए के यूज़ ऑफ ए और एन कहाँ कहाँ आता है, जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ आप ए यूज़ करेंगे, ये भी सिंगुलर के लिए एन यूज़ करेंगे, लेकिन इसका फ़र्क क्या है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब भी वॉवल से स्टार्ट होगा कोई वर्ड, जैसे ई ए आई यू ई ई ओ, ये सब वॉवल है, जब भी कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा देन वी यूज़ एन, क्या यूज़ करेंगे, और सिंगुलर, दूसरी कंडीशन क्या है, सिंगुलर भी होना चाहिए, अगर प्लूरल होगा तो आप कुछ नहीं लगाइएगा, उसमें क्रॉस लगा दें, और अगर सिंगुलर हो तो उसमें एन यूज़ करेंगे, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन आई, एन आइस, एन ऑरेंज, एन आउल। तो मेरे डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने आपको आज यूज़ ऑफ ए और एन
क्लियरली समझाया है, और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज फॉर एवरी वन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा, ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट टाइम। लव यू।